लेकिन बाबा जी के माता पिता जगह से रही सब बाबा जी के यहाँ जन्म हुए हैं। ये जो घर है दोस्तों, यह सतनाम पंथ के प्रथम प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है, जिसे मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में विस्तार से दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल तेजूवर के ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं हूँ गिरतपुरी धाम में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है कुतुब मीनार, इसे जस्तम भी कहा जाता है। चलिए आज मैं आप लोगों को गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल दिखाता हूँ और थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा भी देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों से पूछते पूछते मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल जाने का मार्ग है। गिरौदपुरी बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। यह स्थान रायगढ़ से 117 किलोमीटर, बिलासपुर से 80 किलोमीटर, रायपुर से 126 किलोमीटर और सरायपाली से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसी रास्ते से अभी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से लगभग हमें आधे से एक किलोमीटर की दूरी तय करना है। गुरु घासीदास जी का यह जो जन्म स्थल है, यह एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन्हें मैं अपने अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगा। अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। बस यहाँ से थोड़ा सा और दोस्तों, फिर हम पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर। ये देखिए यहाँ के बाहर का दृश्य। यहाँ पर लिखा हुआ है परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थली। यह यहाँ के बाहर का सीन है। यहाँ पर अभी साफ सफाई का काम चालू है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गार्डन बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं वर्तमान में उनके जन्म स्थान पर निवास करने वाले श्री घासीराम रात्रे जी से गुरु घासीदास जी के जन्म के बारे में। यहाँ पर है गुरु घासीदास जी का आसन, उनकी गद्दी और नीचे में है उनकी चरण पादुका, जिसे हमारे भाषा में तो खड़ऊ बोला जाता है। जब प्रचार प्रसार हुई थी तब कम से कम लगातार मोर जाना मतलब 20 साल हो गए, मतलब 24 घंटा मतलब जलते रहते दीपक का दिन और रात। अब मात्र गद्दी और खड़ाऊ के ही पूजा होते, मूर्ति पूजा नहीं होने, नाम के ही पूजा होते। आप मन देखा तो हाँ, हमन रात्रि परिवार हमन, मोरो नाम घासीराम रात्रे है, ओकर चरण के सेवा महू करत हूँ बाबा जी की। अब खुद के हमारे रात्रि परिवार के जगह है, लेकिन बाबा जी के माता पिता जगह से रही सब बाबा जी के यहाँ जन्म हुए हैं। एकर बाद माता सफरल जिला पा है, तपस्या उपस्या करके बहुत लम्बा हमारा बात बाबू है। माता सफरल जिला पा है, एकर बाद सतपुरा से स्वप्न दिशोला झांसी तोरी स्थान भंडारपुरी है। भंडारपुरी में जाके बसिस बाबा जी है, माता सफरल जिला के लाके यहाँ के जैती स्तंभ जो है सामने में, जैती स्तंभ है ना जन्म स्थल के, बोला बाबा जी अपन खुद के हाथ मकड़ा के यहाँ संत मान लो शिक्षा दीक्षा दे के फिर भंडारपुरी प्रस्थान हुई। छे हम के घर है, घर है कुआ बाड़ी हर हवा हमन के पूरा शासन द्वारा मंदिर वंदिर बनना है, तकर नाम से शासन लगते हमन जो हमन के मांग जो है तो बिल्कुल अधूरा करे है, मंदिर आधा है। हाँ, तो वही तो रमन के कार्यकाल में चलत रही थे। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, मैं लोग काम रुके करते हो 3-4 साल हो रुके है, बनना है बनना बन बिच कर ही है, फिर बनी धीरे से बनी। जी जी, यहाँ पर मंदिर का आधा स्ट्रक्चर ही बनाया गया है, भविष्य में इसे पूरी तरह से बना दिया जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को अभी अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। वर्तमान में गुरु घासीदास जी का जन्म स्थान कुछ इस तरह से है दोस्तों। उनके पिता का नाम महंगूदास और माता का नाम अमरोतीन था और उनका विवाह सिरपुर के सफूरा से हुआ था। पहले यहाँ पर गुरु घासीदास जी का घर हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में
श्री घासीराम रात्रे जी का घर है। इस घर को मिट्टी से निर्माण किया गया है और देखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना दिखाई दे रहा है। वैसे तो गुरु घासीदास जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, लेकिन बाद में वे भंडापुरी जाकर वहीं पर बस गए और लोगों को सतनाम का उपदेश देते थे। अभी उनके जो वंशज हैं भंडापुरी में ही बसते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गुरु घासीदास जी ने अपनी प्रथम गद्दी गिरौतपुरी के गिरौतपुरी धाम में स्थापित की है, जिसे मैं आप लोगों को मेरे अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ पर गुरु घासीदास बाबा के समय का कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन इस घर के पीछे एक कुआं है जिसे गुरु घासीदास बाबा के समय का बताया जा रहा है। और ये घर भी काफ़ी पुराना है और पत्थरों से बना है, काफ़ी जगह इसके टूटे फूटे हैं। तो चलते हैं बारी की तरफ, आप लोगों को कुआं दिखाते हैं। उससे पहले इस घर के पीछे का दृश्य भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है। यहां पर है दोस्तों गुरु घासीदास बाबा के समय का कुआं। चलिए आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है कुआं के किनारे किनारे। यह स्थान एक दर्शनीय स्थल तो है ही, लेकिन सरकार द्वारा यह जो कुआं है उसे एक कुंड की तरह बना दिया गया है, जिसे बताया जा रहा है कि भविष्य में इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में भी बनाया जाने वाला है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के प्रथम प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। आप लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा अगला जो ब्लॉग है वो गिरौतपुरी धाम का होने वाला है, जहां पर गुरु घासीदास बाबा का प्रथम आसन स्थापित किया गया है। तो इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर गिरौतपुरी धाम के ब्लॉग में।